ट्रैक चेंज नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ट्रैक चेंज नहीं कर रहा है तो ट्रैक का साउंड क्यों आ रहा है। यहाँ पर लाइट है रेड कलर की जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई यार, बहुत सही है वो। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राजवीर राजपुरोहित और आज हम फिर से आ चुके हैं इंडियन रेलवे सिमुलेटर 2022 में। सो ये एक नया अपडेट है इस गेम का और आज हम इसी अपडेट को चेकआउट करने वाले हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अरे भैया अब मैं परेशान हो चुका हूँ। ओके फाइनली वी आर एट दिस प्लेस। न्यू दिल्ली का ये रेलवे स्टेशन है और ग्राफिक बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा सही। ये आप देख सकते हैं यार, बहुत सही यहाँ पर ग्राफिक देखने को मिलता है। तो चलो यार चलते हैं, गियर अप करते हैं। हमने हॉर्न वगैरह बजा दिए बढ़िया से, अब जो है इस अपने वैगन्स को लेकर चलते हैं। शादी ब्याह का लगता है बढ़िया से वैगन। इसमें आपको कैमरा एंगल्स देखने को बहुत बढ़िया वाले कैमरा एंगल देखने को मिलेंगे। ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर सारे चपटे लोग बिठा दिया बढ़िया से। वाह, लिटरली मुझे पता है कि आपको इतना ज़्यादा साउंड नहीं आ रहा होगा इस गेम का, गेम साउंड बहुत कम होगा, लेकिन बहुत बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक साउंड देखने को मिलता है। तो अब इन्होंने साउंड अपडेट किया है इस गेम में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को पसंद होगा, लेकिन जो जो स्मेल होता है ना डीजल लोकोमोटिव का, आओ भाई साहब जब मैं अब ये ट्रेन चला रहा हूँ ना तो मुझे वो स्मेल आ रही है। मतलब यार मेरे घर के आसपास कोई रेलवे स्टेशन वगैरह नहीं है, तो ये मत सोचना कि रेलवे स्टेशन वगैरह से आ रही, बट हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को डीजल लोकोमोटिव का जो जो धुआं होता है ना उसका स्मेल पसंद होगा। मुझे यार लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आता है वो। यार अगर आपको पसंद है तो यार आप कॉमेंट करके बता देना ज़रूर। तो देखते यार मेरे जैसे कितने लोग हैं जो ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें भी पसंद करते हैं। ट्रेन बहुत ज़्यादा लंबी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोगियाँ है, 10 कोचिस, 1 इंजन। और यहाँ पर हम अब बढ़ा देते हैं स्पीड। और यहाँ पर ट्रक्स वगैरह ऐड किए गए, ट्रक्स है यहाँ पर, बसेस है, सो बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई है। सो अभी हम चले हैं दिल्ली के ये एक जो है यहाँ पर हमें हमने अपनी स्पीड को जो है पूरी तरह से फुल कर दिया अभी। बहुत सही, वाह। एक्चुअल में ट्रेन के ट्रैक चेंज का आवाज़ है, लेकिन यार एक्चुअल में ये ट्रेन ट्रैक चेंज नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ट्रैक चेंज नहीं कर रहा है तो ट्रैक का साउंड क्यों आ रहा है। यहाँ पर लाइट है रेड कलर की जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई यार, बहुत सही है वो। क्या बात है, सिनेमैटिक इफेक्ट।
ओहो वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया, गुड़गांव आए। इसका मतलब कि जब भी आप जो है कोई क्रॉसिंग को क्रॉस करेंगे, जब भी आप कोई क्रॉसिंग को क्रॉस करेंगे, सिनेमैटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत सही, बहुत बढ़िया, और एक न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है इस गेम में। और इस गेम के अब ग्राफिक्स भी कुछ अपग्रेड हुए हैं, और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा हद तक अपग्रेड हुए। देखा जाए तो पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत कम चीज़ें आपको देखने को मिलती थी गेम में, और अब यहाँ पर गेम में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है। साइड में आपको फैक्ट्रीज़ वगैरह देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ आपके जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह है वो भी अपडेट हो चुके हैं। अब भाई साहब ने अब पैसे वैसे बनाना स्टार्ट कर दिए, स्नैपडील की एड्स दे रहा है, बैनर्स वगैरह दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है अब अपडेट हुई है इस गेम में, जो एक अच्छी चीज़ है। और यार बिना इंटरनेट के तो आप चला नहीं सकते भैया, ये तो सारे लोग यही करते हैं। सो अब एक और स्टेशन आ रहा है, पता नहीं गुड़गांव के बाद, तो ये वाला रूट अजमेर वाला ही है मुझे लगता है। यहाँ पर अजमेर वाले रूट में कोई चेंजेस नहीं है, रूट वही है, बस यहाँ पर आपको अब नई नई जो है ट्रेन्स के साथ खेलने को मिलेगा ये गेम। पर आपको पहले ऐड देखना होगा, जैसे मैंने देखा वैसे आपको ऐड देखना होगा, तब जाके आप जो है गेम को बढ़िया से आराम से खेल सकेंगे स्मूथली। साउंड क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट साउंड क्वालिटी इंडियन ट्रेन सिमुलेटर, मोबाइल इंडियन ट्रेन सिमुलेटर में होगी, ये सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पर हम उदयपुर पहुँचे, उदयपुर ठीक है, ये प्लेटफॉर्म थोड़ा लंबा है, उदयपुर हम ज़्यादा। अरे भैया ये बहुत बड़े लोग नहीं लग रहे, जायंट मैन। ओ यहाँ पर पूरा ट्रक का अड्डा है, बहुत बढ़िया। ये लोग थोड़े छोटे बना दिए होते तो और भी थोड़ा रियलिस्टिक लगता। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया क्या, पता नहीं कौन सा पावर प्लांट लगा दिया इन लोगों ने। अब देखते हैं अब हम कौन से स्टेशन पर पहुँचे। वैसे हूटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हूटिंग नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा गेम में, हूटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अजमेर आए हैं, ऐसा ना हो अजमेर के आगे कुछ ना हो, है शायद तो है, नहीं कुछ नहीं है आगे, मुझे पटरिया वगैरह कुछ नहीं दिख रहा दोस्तों। तो ये गेम बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। अब तो गेम के ग्राफिक भी बहुत ज़्यादा सही हुए, तो उसकी वजह से गेम और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तो ये सिर्फ WAP 7 चला है, आपके पास और भी ऑप्शन है, गरीब रथ चलाने के ऑप्शन है, और ये सारे जो आप जो है चला सकते हैं इसमें मेन मेन्यू में जाकर फिर से। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू सून।